सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सीतापुर के भवुआपुर में सपा छोड़कर सुभाषपा में आए सुनील राजवंशी द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर के साथ उनके बेटे और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, युवा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी, प्रमुख महासचिव सचिन सिंह, प्रदेश सचिव राममूर्ति अर्कवंशी, राष्ट्रीय सचिव इजहार अली, जिला अध्यक्ष कुलदीप रावत, नरेंद्र यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजकुमार राजवंशी, मोहित शुक्ला समेत तमाम पार्टी के नेता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। सभा के दौरान मंच का पिछला हिस्सा अचानक से गिर गया, जिससे करीब दर्जन भर पार्टी कार्यकर्ता 4 फीट नीचे जा गिरे। इस हादसे में सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बाल बाल बच गए। जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा छोड़कर आए करीब 200 नेताओं को सुभाषपा की शपथ दिलाए जाने का दावा किया गया। पार्टी के प्रवक्ता इजहार अली के मुताबिक सुनील राजवंशी, वजाहत मलिक, जीशान बेग, इसरार खान, तसव्वर अली, संजय भार्गव, अनिल भारती, अरशद अली, वकील खां, जुनैद अली, मोहम्मद फिरोज, नौशाद अहमद, श्रीकांत और रविंद्र आदि सुभाषपा में शामिल हुए। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर छीतापासी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे, जहां छीतापासी संगठन से जुड़े हुए मूलचंद राजवंशी, गोधनलाल राजवंशी, जितेंद्र कुमार राजवंशी, नरेंद्र कुमार राजवंशी, सुरेंद्र कुमार राजवंशी, जगदीश कुमार राजवंशी, नरेंद्र कुमार, भोलानाथ मास्टर, नीरज गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस दौरान आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सीतापुर पहुंचे हुए हैं। बिहार में तख्ता पलट हो गया, उनको लोग पलटू राम कह रहे हैं। कितना सही है राजनीति में पलटू राम कहना? देखिए, जब उन्होंने देख लिया कि जो महागठबंधन विपक्षियों ने बनाया है, ये कोई काम कर नहीं रहे हैं, ये कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हैं, चुनाव सर पे आ गया, अब जल्द ही अगले महीने के लास्ट वीक तक या असूचना जारी होनी है, अभी इन लोगों का कुछ नहीं होना है, तो नीतीश जी ने जो किया अच्छा किया। पलटू राम कहना कितना सही है कितना गलत? अब देखिए, अखिलेश जी 8 बार पलटे हैं, 2 बार बसपा के साथ पलटे हैं, 2 बार कांग्रेस के साथ, 2 बार आरएलडी के साथ, 1 बार निषाद पार्टी के साथ, 1 बार हमारे साथ, तो उनको तो पलटू राम नहीं कर रहे हैं। खुद को नहीं देख रहे हैं वो? खुद को नहीं देख रहे हैं? खुद को नहीं देख रहे हैं। देखिए, मानव कल्चर है, वो अपनी बुराई को नहीं देखता, दूसरे की बुराई को ज़्यादा देखता है। उन्होंने जो किया है देश हित में, समाज हित में निर्णय लिया है। आज ज़रूरत है देश में जो गरीबों के विकास की योजनाएं चल रही हैं वो गरीबों तक पहुँच रही हैं, उसमें सहभागिता देने के लिए। अब यूपी की बात अगर करिए, अखिलेश जी के शासन को लोग जंगल राज कहते थे, ये गुंडा राज, और बिहार में लालू जी के शासन को जंगल राज। तो जंगल राज के सफाई को लेकर के नीतीश जी बराबर मुखर रहते थे, बीजेपी से गए, फिर वहाँ वही हुआ जिस दिन सरकार बनी, 8 लोगों की हत्या हुई थी, याद होगा आप लोगों को। बराबर घटनाएं होती रही, उस पर अंकुश लगाने के लिए जब जब नीतीश कोशिश किए, तो उधर से हुआ कि हमारे आदमी हैं, भाई आपके आदमी अगर उपद्रव करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। तो उससे निजात दिलाने के लिए तो कहीं ना कहीं कदम बढ़ाना पड़ेगा। बिहार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का अगला राज्य कौन होगा? दिल्ली। दिल्ली होगा। तो दिल्ली में कैसे कैसे आप लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? क्या कुछ रणनीति है आपके पास कुछ? बिहार में कोई सोच रहा था? आज के 5 दिन पहले मान लीजिए कोई सोच नहीं रहा था, लेकिन 1 महीना पहले से ये चल रहा था। मैं 4 तारीख को दिल्ली जब गया था तो उसी दिन चर्चा शुरू हुई, तो माननीय अमित शाह जी ने पूछा कि क्या होगा, हमके सही रहेगा करिए। हो गया। तो दिल्ली के लोग खुद चिल्ला रहे हैं कि हमारी सरकार गिराई जा रही है या गिराने की कोशिश हो रही है। भाई कौन गिराने जा रहा है? आपके लोग खुद गिराने की तैयारी में हैं। जब तक माल बिकेगा नहीं तब तो कोई खरीदेगा कहाँ? तो अगर जो बिकने के लिए तैयार है तो भाई
हमको जरूरत है तो हम खरीदबे करेंगे चना, हमको दाल चाहिए तो खरीदेंगे, आलू चाहिए तो खरीदेंगे, मसाला चाहिए खरीदेंगे। अखिलेश यादव ने कल एक ट्वीट किया था, आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। अभी गठबंधन धर्म पूरी तरह से आया भी नहीं है, गठबंधन हुआ भी नहीं है और 11 सीटें कांग्रेस को उन्होंने दी है, ये कैसा गठबंधन है? वो घबराहट है उनकी, और राजा को पता ही नहीं मुसहर बन बांट लिए, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं, अभी बात चल रही है ये फाइनल कर दिए। तो ये भी नीतीश की तरह ये भी परेशान हैं कि जल्दी हम गठबंधन से बाहर हो जाएं। मैं कहा था आपसे पिछली बार कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो के सट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं तीसरी बार, अब अखिलेश जी हट करके सहयोग करने के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी में वो छटपटाहट में कि जल्दी कांग्रेस बिगड़ जाए, हमारे ऊपर आरोप न लगे कि हम सीट नहीं दे रहे हैं, तो जल्दबाजी में वो गिनती करा दिए कि हम इतनी सीट दे रहे हैं और कांग्रेस वाले छोड़ के चले जाएँ, ताकि हम जनता के बीच में कहें कि भाई हम तो कांग्रेस को साथ रखना चाहते थे, लेकिन वो लोग चले गए। अच्छा, मायावती जी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, अब मायावती का ठिकाना होगा कि नहीं, गठबंधन में आएंगी कि नहीं आएंगी, अकेले लड़ेंगी? आज आप दर्शकों को जरूर बता दिए, क्योंकि मायावती के बारे में हर कोई जानना चाहता है। देखिए, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, तय है, क्लियर कट, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उनकी जो सोच है, देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कभी सत्ता की बात नहीं किए, ठीक है कांसीराम जी आए समाज को जगाए और मायावती जी को विद्यालय से निकाल करके ला करके सीएम की कुर्सी पर पहुंचा दी, तो सत्ता पाने के बाद बेशक आदमी सत्ता के प्रति मोह हो जाता है, लेकिन जो एक विचारधारा, चाहे वो गौतम बुद्ध जी की विचारधारा हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्री बाई फूले की हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा हो, वो विचारधारा कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में है, तो जब वो याद आता है तो सामाजिक परिवर्तन की बात याद आती है। हम तो हम लोगों के बीच में नहीं है माननीय कांसीराम जी, मैं उनके साथ 14 साल रहा हूँ, शेर बबर चीता हाथी घोड़ा ऊँट खच्चर भेड़ बकरी को एक घाट पर पानी पिला दिया कांसीराम जी ने, जो राजनीति में कभी सोच भी नहीं सकता था। ओम प्रकाश राजभर, हम जब पढ़ते थे 8वें 7वें पुलिस देख के हम भी भागते थे, लेकिन धन्य है कांसीराम जी, हमको उन्होंने समझाया कि देखो राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बिगड़ी बात ताले खोले जा सकते हैं, बिगड़ी बात बनाई जा सकती है, तो हम राजनीति में आए, नहीं तो कल ओम प्रकाश राजभर, लाखों ओम प्रकाश राजभर हैं हमारे नाम के, लेकिन कांसीराम जी की देन है, उनके उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा और हमारे तमाम महापुरुषों की विचारधारा को हमारे जैसे लोगों के जीवन में डाला, हम लोगों ने संघर्ष किया, मायावती जी बनी सीएम, 4 बार काम किया उन्होंने, बेशक काम किया, अगर कोई कहे कि नहीं किया तो हम तो नहीं मानते, उन्होंने काम किया, काम किया, काम किया। अच्छा, उधर गठबंधन टूटता है, इधर सीतापुर आप पहुँचते हैं और ओम प्रकाश राजभर जी का मंच टूट जाता है, कोई साजिश तो नहीं इसमें? नहीं नहीं नहीं, साजिश नहीं। देखिए, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, अब ओवर लोड हो गया तो कहाँ कर भाई, मंच की क्षमता 50 आदमी की है, आई यहाँ सुनील राजवंशी जी हजारों लोगों को ज्वाइन करा दिए, जो नेता कभी मंच पे नहीं चढ़ा, ओम प्रकाश राजभर साहब, लोग आओ इसी पे बैठो भैया, जहाँ जगह मिले, अब भीड़ ज़्यादा हो गई तो टूट गया, उसमें मंच का क्या गलती है, हम लोगों कौन गलती है? आखिरी सवाल, सारे समर्थक जानना चाहते हैं, ओम प्रकाश राजभर लाल बत्ती में कब बैठेंगे, मंत्री कब बनेंगे? अब बिहार का काम ख़त्म हो गया है और आपकी भावना, जल्द ही हम आपके बीच में आएंगे तो आपकी भावना के वो ले करके आएंगे। आप भी बनेंगे और आपके साथी भी? हाँ, दोनों लोग, और भी लोग हो सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।